हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ टीज़र रिव्यू। ये मूवी अली अब्बास ने बनाई है ना। बड़े मियाँ छोटे मियाँ नाम सुनते ही सबसे पहले अपने दिमाग में आती है अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जो कॉमेडी मूवी आई थी, सबसे बहुत अच्छी मूवी थी। उसको देख के भी ऑडियंस काफ़ी खुश हुए। अब उसी टाइटल के साथ अली अब्बास ने एक नई मूवी तैयार की है। इसमें टीज़र में काफ़ी अच्छा एक्शन सीन दिखाए हैं। इसमें टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार और सुकुमारन है, तीनों ने काफ़ी अच्छा एक्शन सीन किया है। इस मूवी का टीज़र देख के लगता है कि ये मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें अक्षय कुमार ने काफ़ी अच्छे डायलॉग्स और अच्छे ओरिजिनल स्टंट किए हैं। इसमें VFX का यूज़ काफ़ी कम किया है क्योंकि अक्षय कुमार ओरिजिनली स्टंट करते हैं और टाइगर श्रॉफ वैसे भी ब्लैक ब्लैक बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा एक्शन और ओरिजिनल एक्शन किए हैं। और टीज़र में जैसे सुकुमारन का मास्क वाला चेहरा दिखाया गया है, वो भी काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। वो जब ओरिजिनल ट्रेलर आएगा तब आइडिया होगा कि इस मूवी में कितना अच्छा एक्शन दिया है। बाकी टीज़र देख के तो लगता है कि मूवी शानदार होने वाली है। वैसे हालिया रिलीज़ हुई सुकुमारन की सालार, उनमें उस मूवी में भी सुकुमारन ने अच्छा एक्शन सीन दिया था और इस मूवी में विलन का रोल मिला है, तो इस मूवी में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्टिंग परफॉर्मेंस दिया होगा। इस टीज़र में देखकर आइडिया हो गया है कि टाइगर श्रॉफ के बजाय अक्षय कुमार को काफ़ी अच्छे डायलॉग मिले हैं, क्योंकि डायलॉग बोलते हुए भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हाल ही काफ़ी टाइम से अभी एक्शन मूवी काफ़ी लोग पब्लिक पसंद कर रही है, तो इस समय अब अक्षय कुमार की एक एक्शन मूवी आई है तो उसको लोग बाग काफ़ी पसंद करेंगे। और अक्षय कुमार वैसे भी इस ऐसी मूवी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। टाइगर श्रॉफ भी काफ़ी अच्छे एक्शन सीन करते हैं, उनको इस मूवी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्शन मूवी बनाई है। ये कॉमेडी मूवी के बजाय ये एक्शन मूवी, और ये एक्शन मूवी काफ़ी अच्छे कलेक्शन के साथ ही मार्केट में आएगी। इसका कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि टीज़र देख के तो लगता है कि ये अच्छा कलेक्शन बनाएगी, क्योंकि अब ट्रेलर आने के बाद ही आइडिया लगेगा कि मूवी में कितना दम है। टीज़र तो काफ़ी अच्छा बनाया है इन लोगों ने। इस कहानी का पूरा भार शार अक्षय कुमार को ही जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दमदार जो डायलॉग है, एक्शन है, वो अक्षय कुमार के होने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ पसंद आए या ना आए, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।